मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद जी के उपनिषदों को लेकर, वेदांत को लेकर क्या विचार थे, आज हम उस पर अपना आगे का वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तो अगर हम कहें कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही महान महापुरुषों में से, भारत के महापुरुषों में से माने जाते हैं, और स्वामी विवेकानंद की चेतना का क्या ही कहना। स्वामी विवेकानंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु आज हम उनके वेदांत पर क्या विचार हैं और विश्व को वो कैसे देखते हैं उस पर बात करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वेदांत जो सूत्र बनाता है वह सार्वभौमिक भाईचारा नहीं बल्कि सार्वभौमिक एकता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वेदांत किसी भी चीज़ का विरोधी नहीं है, लेकिन यह उन सत्यों से समझौता या त्याग नहीं करता जिन्हें वह मौलिक नहीं मानता। उपर्युक्त कथन वर्तमान संदर्भ में महत्व प्राप्त करता है, जिसमें धार्मिक और दार्शनिक हलकों में सार्वभौमिक भाईचारे पर बहुत जोर दिया जाता है। आज के समय में सार्वभौमिक भाईचारे पर बहुत जोर दिया जाता है कि भाई भाईचारा बनाइए, भाईचारा बनाइए, लेकिन सार्वभौमिक एकता पर कोई जोर नहीं देता, सार्वभौमिक एकता पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। यह वेदांत द्वारा प्रचलित अस्तित्व की एकता और आत्मा का शाश्वत स्वतंत्रता के आध्यात्मिक सत्य की अज्ञानता के कारण है। जो अकेला समानता की वास्तविक भावना सच्चे सार्वभौमिक भाईचारे के हृदय और आत्मा को ला सकता है। यह कमी विभिन्न जातियों, धर्मों और राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच बढ़ते संघर्ष और बढ़ती असमानताओं का कारण है जो आज हम देख रहे हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के बावजूद हो रहा है, जिसने इस दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। मानव इतिहास में वेदांत की सर्वकालिक प्रासंगिकता मानवता के सामने आने वाली समस्याओं के चिरस्थायी समाधान की शिक्षा में निहित है। ऐसा रामबाण किसी भी राष्ट्र या पंथ तक सीमित हुए बिना सार्वभौमिक और प्रकृति में सर्वव्यापी है। परंपरा कहती है कि वेदांत का सार चार महाकाव्य या महान कहावतों में निहित है। प्रत्येक एक उपनिषद में ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से संबंधित है। प्रत्येक महाकाव्य का सार एक ही है, अर्थात स्पष्ट शब्दों में व्यक्तिगत स्व अर्थात जीव और ब्राह्मणीय स्व अर्थात ईश्वर के बीच की पहचान की घोषणा करना, जो कि एक ही सार्वभौमिक चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, जिसे ब्रह्म या आत्मा कहा जाता है। वेदांत में इन महाकाव्यों का अत्यधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने स्व को ईश्वरीय या ब्रह्मांडीय स्व से जोड़ता है, यानी जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तो वो व्यक्ति अपना सही मतलब में अपने को मोक्ष की प्राप्ति करता है। यही स्वामी विवेकानंद जी अपने उसमें यही कहना चाहते हैं कि वेदांत की जो दार्शनिकता है, वो कहने का मतलब है कि वो भाईचारे पे नहीं, वो एकता पे जोर करती है। मतलब कि ये विश्व पूरा एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है, वहीं स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि ये सारी जितने भी लोग हैं वो भाईचारा हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब, अगर हम दूसरे व्यक्ति को भी एक करके देखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रदरहुड नहीं, हम वननेस में बिलीव करते हैं, और वननेस का बिलीव का मतलब है कि कोई अलग नहीं है। परंतु क्या आज के समय में, मतलब ये भारतीय संस्कृति है या ये सनातन संस्कृति है जो ऐसा मानती है? वसुधैव कुटुंबकम की बात करें या वननेस की बात करें, यानी एकता की बात करें, ये सारी भारतीय संस्कृतियों की मूल धाराएं हैं जो कि उपता में मिलती है, और इसी वेदांता को स्वामी विवेकानंद जी उसको फॉलो करते हैं, उसका पथ प्रदर्शक करते हैं, और उसका प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया है। इसीलिए आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको सादर नमन, और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको सबको वेदांत और उपनिषदों का पाठ करना चाहिए, और नहीं कर सकते हैं तो स्वामी विवेकानंद को तो अवश्य ही एक बार अवश्य पढ़ें। धन्यवाद। इसी के साथ स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।